देश राज बिहार से हैं, हम यहाँ दिल्ली की सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। जब भी हम अपनी प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस के पास परमिशन लेने जाते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट का नियम दिखाकर या फिर 144 धारा लगाकर या फिर कोरोना का हवाला देकर हमें बरगला दिया जाता है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि यहीं दिल्ली में किसान मोर्चा चल रहा है। कुछ दिन पहले NIT के टीचर लोग यहाँ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने आए थे, उनको परमिशन दे दिया जाता है जब, और हमें ये सब बोलकर बरगला दिया जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अभी बंगाल में चुनाव चल रहा है, क्या वो कोरोना वहाँ से छुट्टी लेकर दिल्ली चला आया है होलीडे मनाने क्या, या फिर जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ से कोरोना होलीडे मनाने चला आता है क्या? हमें ये नहीं समझ में आता है। संविधान बोलते हैं, संविधान यही बनाते हैं और अपने लिए संविधान कुछ नहीं और हमारे लिए सारा संविधान है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है हम पे भी ध्यान दे, हम बेरोजगारों को भी अपने नज़र में रखें, न कि सत्ता के पीछे परेशान और पागल हो जाए। यही हम कहना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुष्मिता, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हमें ऑनेशन की परमिशन मिल गई है एक हफ्ते के लिए, तो जितने भी भाई बहन आ रही है और आने वाली है और जल्द से जल्द आई है, तो ये हमारी आखिरी लड़ाई है, लास्ट तक लड़ेंगे सब एक साथ मिलके। तो सबसे ही विनती है कि आप जल्द से जल्द आइए, हमारे साथ जुड़िए। और हम आज केजरीवाल के ऑफिस के सामने मिलने गई थी, अभी किसी ने हमसे मिला नहीं अभी तक। जैसे हम CM के ऑफिस जाएंगे फिर देखते हमसे मिलेगी या नहीं मिलेंगी, ये नहीं पता। जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम आते रहेंगे। अभी घर में जो भी भाई बहन बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अभी दिल्ली जाके कुछ नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा सोचने से आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने वाली है। और आप सब आइए दिल्ली, आके एकजुट होके लड़े, लास्ट लड़ाई है हमारी। अब देखते हैं आगे क्या होती है, हम तो लेके ही जाएंगे, यहाँ खाली हाथ नहीं जाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं रोहित पंजाब से। सभी जो भी SSC GT 2018 के कैंडिडेट हैं, मेरी सभी भाइयों से बहनों से अपील है कि सभी लोग दिल्ली में पहुँचे, क्योंकि जो हम लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ वो केस तो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इतना मैं बोल सकता हूँ, अगर ये प्रोटेस्ट हम भूख हड़ताल 1500 प्लस या 1000 के बीच बीच कैंडिडेट जो भूख हड़ताल में बैठते हैं, तो कम से कम हमें 1 या 2 महीने के अंदर हमें ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्योंकि प्रोटेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने सरकार को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। कोर्ट केस के सामने सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो उनको पता है जो कोर्ट में केस लगा हुआ है। सभी भाइयों से मेरी अपील है, जो भाई अभी तक दिल्ली में नहीं पहुँचे हैं वो दिल्ली में पहुँचे, जल्द से जल्द दिल्ली में पहुँच जाएँ, क्योंकि जो कल से हमें भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, और अगर हम ये भूख हड़ताल हमारी सफल होती है तो हमें 100% हमें जो वो ज्वाइनिंग मिल सकती है, हमारे सपना पूरा हो सकता है। वो 21 जनवरी की रात को याद कीजिए, जब आपका रिजल्ट आया था, जब आपके माँ बाप आपके सामने बैठ कर रोते थे, वो लोग बस उसी दिन को याद कीजिए और दिल्ली की तैयारी कीजिए। भाई साहब, अगर यूनिफॉर्म चाहते हो, वर्दी चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, तो दिल्ली जल्द से जल्द सभी भाई दिल्ली पहुँचे। अभी तक घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, घर में बैठने से ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग लिखने से किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। सभी लोग दिल्ली पहुँचे, क्योंकि प्रोटेस्ट ऐसी चीज़ है जिसके सामने सरकार को अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अभी तक हम हार्ट एक प्रोटेस्ट में अभी कामयाबी मिली है, अगर हम नान बोलते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिली तो वो हमारी गिनती, क्योंकि हमारी जो कैंडिडेट की गिनती है वो 200 से ज़्यादा नहीं हो रही है दिल्ली में, और दिल्ली में 200 लोग कुछ भी नहीं होते, वो एक जिले की हम धरना नहीं करें, पूरी ऑल इंडिया का धरना कर रहे हैं। इसलिए हमें 500 से ज़्यादा या 1000 के करीब जो कैंडिडेट दिल्ली में पहुँचने चाहिए, फिर हमारा प्रोटेस्ट जो वो 100% सफल होगा और हम लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। मैं वादा करता हूँ कि अगर हम लोग 1000 कैंडिडेट भूख हड़ताल पर बैठते, तो हम 1 या 2 महीने के बीच बीच दिल्ली से गर्म यूनिफॉर्म लेकर आएंगे, बिना खाली हाथ घर तक नहीं लौट सकते। इसलिए मैं फिर जाते जाते सभी से यही अपील करता हूँ कि सभी भाइयों और बहनें दिल्ली पहुँचे और अपनी यूनिफॉर्म के लिए दिल्ली पहुँचे, अपने माँ बाप सबका सपना पूरा करने के लिए। जय हिंद साथी। मैं दिलीप कुमार, सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार त्रिवेणीनगर प्रखंड से हैं, और हम लोग आज जो है आए हैं दिनेश्वर कामत जी के, जो हमारे मान्य सांसद है सुपौल डिस्ट्रिक्ट के, तो हम उनके पास आए हैं यहाँ पे। तो वो तो उनके PS हमारी बात हुई कुलदीप सिंह जी से, और उसने बताया कि अभी नहीं, अभी क्षेत्र गए हैं, मतलब गांव गए हैं, तो आप वहाँ जाकर के मिल सकते हैं। तो बोल रहा है, तो अभी बात तो इतना ही हुई, तो आगे जो है इस प्रकार से हम लोग आज अभी जा रहे हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस वहाँ मिलने के लिए, क्योंकि कल से हम लोगों का जो है मतलब प्रोटेस्ट शुरू है, इस कारण से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और
हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट के सांसद दिलेश्वर कामत से मिलने आए थे, उनसे तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, उनके पीए से हमारी मुलाकात हुई। वो बताएं कि सांसद साहब क्षेत्र गए हैं, अभी आप अपना मेमोरेंडम दे दीजिए, हम अपने माध्यम से उनको पहुंचा देंगे, बाकी जो रिप्लाई आएगा, आवाज़ आएगा, वो आपको हम बता देंगे। मैं विवेक कुमार सिंह बिहार स्टेट के सीतामढ़ी ज़िले से हूँ। आज मैं दिल्ली में सुपौल के MP दिलेश्वर कामत जी के आवास पर गया था, वहाँ गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं थे, वो अपने क्षेत्र में गए हुए हैं। उसके PA को मैंने अपना मेमोरेंडम SSCG 2018 के संबंधित में सौंपा और वो अपने MP साहब को वहाँ से वो मेल कर दिया है और मुझे वहाँ से मिलने दिए हैं। और उसने बताया कि ठीक है, मैं वहाँ मेल कर दिया हूँ, आगे कैसे क्या रिस्पॉन्स आती है फिर मैं आपको इसे बताता हूँ। SSCG 2018 का कैंडिडेट हूँ। हमने सरकार से एडमिशन के लिए परमिशन ले लिए। हमको एडमिशन पे बैठने के लिए कल से परमिशन मिली है 7 दिन की। तो जो भी मेरे भाई बहन SSCG कैंडिडेट है, तो हम आप सब दिल्ली आ जाइए, एक साथ जुड़े और सब साथ मिलकर हमें लड़ाई लड़ेंगे। तो जो भी घर पे बैठे हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप सब दिल्ली में आए और हम सब साथ मिल के ये लड़ाई लड़ें। मैं दिलीप कुमार सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ और आप लोगों को दोस्त मैं कितने बार बोल भी चुका हूँ कि आप लोग प्लीज़ आइए, आप लोगों को हाथ जोड़ के आप लोगों को निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो है आइए। यहाँ पर जो है सभी भाई बहन महाराष्ट्र से भी है, बंगाल से भी है, हर जगह से आए हुए हैं। तो कल से हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जब तक आप लोग नहीं आओगे, साथ नहीं दोगे, तो फिर लड़ाई में फिर मजबूती कैसे आएगी, भाई रिस्पॉन्स कैसे मिलेगी। हम लोग तो 2 महीने से लड़ रहे हैं और हम लोग बैठे नहीं हैं। अब मतलब अभी जो हम लोग आए थे दिलेश्वर कामत जी के पास आए थे यहाँ पर, और यहाँ से फिर अभी जा रहे हैं मीडिया क्लब जा रहे हैं हम लोग, वहाँ भी मोमेंटम देंगे, कल से हमारी जो है न्यूज़ कवर करेंगे। और प्लीज़ आप लोगों को दोस्त सुपौल डिस्ट्रिक्ट के प्रोफेशनल जो भी हैं, भाई बहन हैं, यहाँ आइए, कॉन्टैक्ट कीजिए। पिछले वाले वीडियो में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे चुका है। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, आइए आप लोग यहाँ पर आइए, अपना लड़िए, जब भी कोई काम बनेगी, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा दोस्त, आइए प्लीज़। 10 दिन मेहनत कीजिए भाई, 10 दिन उंगली से उंगली पर गन के 10 दिन मेहनत कीजिएगा तो हमारी जीत पक्की होगी। आ जाओ भाई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब तक खत्म नहीं होगा तो नौकरी नहीं। किसके साथ यार, हम लोग PT दिए हैं, रिटेन दिए हैं, मेडिकल दिए हैं, रीमेडिकल दिए हैं, तो फिर हम लोग अधिक नंबर ला के भी नसीब यहाँ साथ क्या देगा। हम लोग अधिक नंबर लाए तब हम लोग को छांट दिया है, अधिक नंबर ला के भी नहीं हुआ, कम नंबर वाले को सिलेक्शन हुआ, नॉर्मलाइजेशन ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। इसलिए हम लोग गृह मंत्री अमित शाह जी से ऑफिस गए, वहाँ मेमोरेंडम दिए, राष्ट्रपति भवन में दिए। हम लोग हर प्रयास किए, हर अटेम्प्ट किए, बहुत कोशिश किए यार, तुम लोग घर में बैठे हो, लिख कर ऑल मेडिकल फील्ड कमिट को ज्वाइन। अरे यार, तुम कम से कम हक की लड़ाई लड़ो, हक के साथ दो, ये इंडिया बाई इंडिया हक मिलता नहीं छीना पड़ता है। इसलिए भाई एंड बहनों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग आइए, इस प्रोटेस्ट में भाग लीजिए और 10 दिन मेहनत कीजिए, आपकी सफलता पक्की होगी, नौकरी पक्की होगी। तो हम लोग तो जितना भी स्टूडेंट हैं और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, 1 तारीख से हम लोग का प्रोटेस्ट जारी है, अजीम भाइयों को आना है, आना चाहते हैं वो आ जाइए। और जय हिंद जय भारत। शिवांगी बगड़ेकर महाराष्ट्र से हूँ और हम यहाँ से 2 महीने से हैं, क्योंकि हमारा 2018 में जो जगह निकली थी SSCG की, उसमें 60,210 जगह थी, उसमें से 54,000 को लिया गया है। बाकी लोगों को जितनी मेडिकल फिट थी वो 1,00,000 के पार थे, तो इन्होंने मेडिकल फिट इतनी ज़्यादा बुलाई कि आधे को बाहर कर दिया। तो आपके पास वैकेंसी नहीं थी तो इतनी मेडिकल फिट क्यों बुलाया आपने? और पहली बात ये है कि हम पहले रिटर्न एग्जाम किए वो भी क्लियर है, फिर फिजिकल किए वो भी क्लियर है, और मेडिकल करने के बाद भी क्लियर है। हम सब कुछ क्लियर होने के बाद भी सरकार हमको जॉब नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? हम क्वालिफाइड होने के बाद भी जब चुनाव आते तो इनको सब बेरोजगार की पार्टी सुनाई देती है, युवा की बात सुनाई देती है, चुनाव होने के बाद इनको सब खत्म बैन हो जाती है सरकार। तो हम बेरोजगार पड़े हैं रास्ते पे, और हम क्वालिफाइड होने के बाद भी पड़े हैं, और कुछ ना करते तो अलग बात है। तो हम सब राउंड क्वालिफाई किए फिर भी बाहर है, और सरकार के पास वैकेंसी है क्योंकि वो नई वैकेंसी आ रही है 2021 की, तो सरकार के पास वैकेंसी नहीं है और जगह भी खाली नहीं, तो हमें क्यों नहीं वहाँ पर भरा जाता है? वो वैकेंसी क्यों निकाल रही है? निकालने के बाद भी वो दूसरों को लेंगे, ऐसे ही प्रोसीजर करेंगे और ऐसे ही आउट करेंगे, हमारा भविष्य का क्या है? हम
रास्ते पर आ जाएंगे। हम युवा हैं, हमें जॉब की तलाश में हम पूरी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन फिर भी हमें जॉब नहीं है। जब चुनाव आते तभी इनको सब कुछ दिखता है, चुनाव होने के बाद भी कुछ भी नहीं दिखता है। हमारा भविष्य की कौन परवाह करेगा, हम इतनी हमारा सपना सुना है, हमें आर्म फोर्स में जाना था। और सेकंड बात तो ये भी आती है, सुरक्षा की बात आती है, इसकी सरकार के पास सैन्य बल है, चीन जो है वो सियाचिन मतलब लद्दाख के पास आके बैठा है, तो क्या आग दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास सैन्य बल है जो कम है, तो हम अर्ध सैनिक बल है तो उनकी जो व्यवस्था है और तो और ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं कर लेंगे सरकार। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम 2018 से है जो 3 साल मेहनत किए हैं उसके बाद हमको बाहर कर दिया है, तो हम इतनी मेहनत इतनी पढ़ के क्या करेंगे। और बोल रहे हैं कि नहीं वैकेंसी निकाल रहे हैं, नहीं वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं, इनके पास पद भी खा लेंगे। इतने अंदर आई जी ने भी कहा था कि एक लाख से कई पद खा लिए, लेकिन फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है सरकार। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दी जाए, जितने भी यहाँ उपस्थित है दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑल नहीं तो जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में उनके बारे में जरूर सरकार सोचे। नमस्ते, मैं मोनिका महाराष्ट्र से हूँ। हम SSC TDK के कैंडिडेट हैं। 2018 में SSC ने TDK के संदर्भ में भर्ती निकाली थी, उसमें हम मेडिकल रिटर्न और फिजिकल सब टेस्ट पास चुके हैं, लेकिन सरकार ने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। 21 जनवरी को इसका रिजल्ट आया था लिस्ट में, तो लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया, इसलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं सरकार तक पहुँचने के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। हम आज 2 महीने होने जा रहे हैं हम दिल्ली में आए हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और हमें अभी तक क्या सब लीगली तरीके से हम सब कुछ काम करके आए हैं, लेकिन सरकार को हमने निवेदन भी भेजा है, यदि राष्ट्रपति भवन हो या CM ऑफिस जो अदर कोई मंत्री है उसके पास भी हमने निवेदन भेजा है, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं। सरकार तो कुंभी बैरी हो चुकी है, ये ऐसा भी नहीं हो कि वो कुंभी बैरी है, उसके पास तो हमारी सब बातें पहुँच गई, वो तो हमको इग्नोर कर रही है, लेकिन कितने दिन तक इग्नोर करेगी, सरकार तो सुनना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं सुन रही हमारा, यदि कोई मीडिया वाले हमारे पास आते हैं तो मीडिया भी सरकार ने अपनी बना ली, जो नेशनल की मीडिया है वो हमारे पास आती है, हमारी न्यूज़ लेके जाती है, पर दिखाती नहीं, क्यों नहीं दिखाती, सरकार ने उसको भी मैनेज कर लिया, क्यों कर रही है सरकार। सरकार का ये पता नहीं कि सरकार हमारी वजह से, हम सरकार की वजह से नहीं है, तो सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी और जो कह रहा हूँ जो मेडिकल फील्ड है उनको ज्वाइनिंग देनी होगी। मैं तो एक बोलूँ कि सरकार बोलती कि नई भर्तियाँ निकल दी, नई ऑलरेडी सरकार के पास 55,000 ऐसे लड़के हैं कि जो सब टेस्ट मार चुके हैं, मेडिकल फिजिकल और रिटर्न सब टेस्ट उसने पास कर चुके हैं, लेकिन सरकार को उसको ज्वाइनिंग नहीं देना। जब यदि सरकार के पास इतनी वैकेंसी है, सरकार के अभी नित्यानंद राय जी ने सांसद में कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स में 1,10,000 समथिंग वैकेंसी पर रिख दिया है, लेकिन मैं कहूँगी कि ऑलरेडी सरकार के पास इतनी जगह खाली है, तो जो मेडिकल फील्ड है जो 2018 की भर्ती थी उसमें जो मेडिकल फील्ड है वो ज्वाइनिंग क्यों नहीं देती सरकार को, ज्वाइनिंग नहीं क्यों, सरकार नई भर्ती क्यों निकालना चाहती, क्यों सरकार को पैसा कमाना है, पैसा का मेरा तो यही होता है, सरकार को पैसा कमाना है क्या, यही तो यही उद्देश्य होगा, क्योंकि हमको ज्वाइनिंग नहीं देती। 2018 में 55 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था, 55 लाख यदि 100 का समथिंग फॉर्म हमने भरा था, और अभी तक सब लास्ट ट्रिप के पास 1,10,000 बच्चे सब टेस्ट पार कर चुके थे, अभी तो उसने भी हमें 55,000 को बाहर कर दिया, और जो 55,000 फिट हो गए, लेकिन हम फिट हो चुके हैं, लेकिन हमको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी। सरकार का उद्देश्य है कि नई भर्ती निकल, मैं भी कहूँगी इसके ऊपर सरकार को इससे पैसा कमाना है, बस उसमें जो है हम सबके युवा है उनका नहीं सुनना है, उसका एक ही मतलब है कि वो पैसा कमा रहा है और हमारी बातें इग्नोर कर रहा है। मैं भी एक ही कहूँगी कि सरकार को हमको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, तो हम
तो भीख नहीं मांगते कहाँ पे, हम हमारे हक मांगते। सरकार बोलती है कि हम इतने 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो सरकार तो मुझे सरकार पर हंसी आती है क्योंकि सरकार यहाँ पे कितने 200 बच्चे हैं ना, उनको भी ट्रेनिंग नहीं दे सकती, तो क्या 4 लाख रोजगार देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ये सरकार ना झूठी झूठी